ओके हमारा इक्वेशन नॉर्स इक्वेशन चल रहा था NERNST नॉर्ट्स इक्वेशन। नॉर्ट्स इक्वेशन क्या चीज है ये? देखिए पहले एक लाइन लिखिए। फर्स्ट लाइन इज इट्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आयंस एट दी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स दी प्रोवाइडिंग दी सेल मेम्ब्रेन इज दी फ्रीली परमिएबल टू दैट आयंस। ठीक है ना, कि वो जो जैसे ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम मीन्स दी प्रोवाइडेड सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू दैट आयन, मीन्स उस आयन के लिए वो सेल मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो गई है। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है, एंड तो वहां पे आपको बताया था अभी प्रोटीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर फ्रीली परमिएबल हो गई है पोटेशियम्स के लिए और पोटेशियम निकल गया है मेरा बाहर, तो क्या होगा? अब जो होगा वो अब फ्रीली परमिएबल की वजह से, नेगेटिवली चार्ज की वजह से, अभी प्रोटीन तो है बट जो पोटेशियम निकला है तो वहां पे नेगेटिवली चार्ज हो गया है, तो अब क्या आ जाएगा अंदर? मेरा सोडियम अंदर आ जाएगा, सोडियम अंदर आएगा वही। ठीक है ना, और तो नर्ट्स इक्वेशन क्या कहती है, नर्ट्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? और अपने को वो फॉर्मूला ही पूछा जाता है, नर्ट्स पोटेशियम, नर्ट्स सर पोटेंशियल। प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, पोटेंशियल द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द आयंस एट द इक्विलिब्रियम मींस द प्रोवाइडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू दैट आयंस। ओके, मीन्स कि पोटेशियम के लिए हमारा फ्रीली परमिएबल हो गया था, तो क्या हो गया था, उतना ही सोडियम अब अंदर आ रहा है। तो नर्ट्स इक्वेशन क्या कहती है, नर्ट्स इक्वेशन को समझा रहा था, उसका एक फॉर्मूला होता है कि नर्ट्स पोटेंशियल, एंड इसको किससे डिनोट करते हैं, एमवी से। मीन्स देखिए ई क्लोराइड इज इक्वल टू, ध्यान से लिखना, 61.5 लॉग। अब ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, 61.5 लॉग क्लोराइड आई माइनस क्लोराइड सी माइनस। ठीक है, एंड सी सी सॉरी 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 सी कहाँ लिख रहा हूँ, ओ आई किसको डिनोट करता है कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन कितना क्लोराइड है, एंड ओ आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कितना क्लोराइड है, इसको डिनोट करता है। तो कुछ चीज पता हो या ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे को यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा नर्ट्स पोटेंशियल, एंड नर्ट्स पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ई क्लोराइड, और ई किस में आएगा लास्ट, अगर आएगा तो वो आएगा मिली वोल्ट के अंदर। ठीक है ना, अब आप कहेंगे ई क्लोराइड कितना होता है एमवी में,
और वो कितना निकलेगा अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है, हमारे को सबकी वैल्यू पता होती है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ई क्लोराइड माइनस, ये लिखा हुआ ई क्लोराइड माइनस इज इक्वल टू, आंसर कहिए, तो अगर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ होगा तो वहां पे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, वो होता है 70 मिलीवोल्ट। और 70 मिलीवोल्ट क्योंकि हर चीज कॉन्स्टेंट है हमारे पास में, तो हमारे को ये चीज क्या करनी है, याद रखनी है, बाई हार्ट करना ही पड़ेगा इस चीज को कि ई क्लोराइड नर्स इक्वेशन के हिसाब से कितना है, 70 मिलीमोल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी की जगह क्या पूछा जाता है, ई पोटेशियम पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। आप कहेंगे कि सर कितनी चीजें याद करवाओगे, ई पोटेशियम अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या करेंगे हम, -90 मिलीवोल्ट। ओके पोटेशियम, अच्छा एक सोडियम का भी देख लीजिए, ई सोडियम, एंड ई सोडियम का कितना आता है आंसर, प्लस, क्योंकि प्लस में आएगा इसका, +61 मिलीवोल्ट। अब ये सारी चीजें याद करने की है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, और ये किससे आएंगी, रिवीजन से, ठीक है। अच्छा एक बार है ना डीएनबी का क्वेश्चन था, और उसके अंदर ई पोटेशियम जो है उसका ऑप्शन 90 कहीं पर भी मेंशन नहीं था, चारों ऑप्शन थे और चारों में 90 मेंशन नहीं था, तो वहां पे आंसर क्या दिया गया था, 94। एंड 94 कहां से आया था, ये गाइडन में 94 दे रखा है, 90 नहीं दे रखा है, वहां पे 94 मिलीवोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। तो अपने को याद रखने के हिसाब से क्लोराइड पोटेशियम एंड सोडियम 70, 90 एंड 61, बट अगर 90 नहीं है तो 94 वहां पे आंसर को टिक करना है आपको, ठीक है। ये माइनस है, -94 है, ठीक है, -90 की जगह -94 भी आपको डीएनबी अगर क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में तो आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, गोल्डमैन्स इक्वेशन। गोल्डमैन इक्वेशन क्या रहती है, इक्वेशन का नाम, पूरा नाम क्या है गोल्डमैन का, देखिए सॉरी गोल्डमैन हॉजकिन कार्ज इक्वेशन, एक छोटा सा नाम है, छोटा सा नाम क्या है, गोल्डमैन हॉजकिन कार्ज, ये जेड है इक्वेशंस, ठीक है ना। अच्छा इसका दूसरा नाम नोन एज, इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, नोन एज द कॉन्स्टेंट फील्ड इक्वेशन, कॉन्स्टेंट फील्ड इक्वेशन होता क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। आपको ये सही चीजें पता हो या ना हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट मेरे को लगता नहीं है कि ये कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला अब आपके मैं सामने लिखने वाला हूँ, फॉर्मूला बहुत ज्यादा छोटा है तो आपके पेज को लेके लिखना, -61.5 log सी क्लोराइड आउटसाइड इनटू प्लाज्मा क्लोराइड प्लस सेल पोटेशियम इनसाइड इनटू सॉरी इनटू
प्लाज्मा पोटेशियम प्लस सेल सोडियम इनसाइड मल्टीप्लाई बाय द प्लाज्मा सोडियम प्लस अपॉन सी क्लोराइड इनसाइड मल्टीप्लाई बाय द प्लाज्मा क्लोराइड प्लस सी पोटेशियम आउटसाइड इनटू प्लाज्मा पोटेशियम प्लस सी सोडियम आउटसाइड इनटू प्लाज्मा सोडियम। ये हल्का सा छोटा सा फॉर्मूला है जिसको क्या बोला जाता है, गोल्डमैन हॉजकिंस कार्ल्ज इक्वेशन। मेरे को नहीं लगता ये कभी भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, बट हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। और जैसे कि हमारे को पता है, वी नो, क्या पता है हमारे को, सारी दुनिया पता है हमारे को कि प्लाज्मा पोटेशियम क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है किसकी बजाय, प्लाज्मा क्लोरीन, एंड क्लोरीन से भी ज्यादा, सॉरी कम क्या रहता है, सबसे ज्यादा क्या रहता है, प्लाज्मा पोटेशियम, उसके बाद में क्या रहता है, प्लाज्मा क्लोरीन, एंड लास्ट में क्या मिलता है, सोडियम, प्लाज्मा सोडियम, क्योंकि इनसाइड में मिलता है। सोडियम के लिए परमेबिलिटी लगभग जीरो रहती है, ठीक है ना। तो जो आरपीएम बनेगा, आरपीएम के लिए सोडियम का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बनता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए सोडियम का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी जीरो रहती है। तो अब आप कहेंगे सर आरपीएम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के लिए मैक्सिमम एमएक्स मैक्स भाई साहब किसकी रहती है, तो आंसर इज पोटेशियम, आंसर इज पोटेशियम। ये हमारा एमसीक्यू, ओके। एंड अब आप कहेंगे कि सर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, ये कई बार फिजियोलॉजी में पूछा गया है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 mV। एंड अभी आपको बताया भी था, सबके बताए थे मैंने रेस्टिंग तो -70 mV, ओके। अगर ये क्या हो जाए, दो चीजें हो सकती है इसके साथ में, ठीक है, डिक्रीज हो जाए, मींस -60 mV हो जाए, तो क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन हो सकता है, क्या डेवलप होगा, डीपोलराइजेशन। और अगर ये हो जाए -80 mV, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइज। यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यहां पे एक्साइटमेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहां पे एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी यहां पे एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी में, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया। जैसे अगर मान लीजिए, इससे क्वेश्चन कैसे आता है, दो सेकेंड होल्ड करना, पोटेंशियम के बेसिस पे हम ये है। एक चीज देखिए, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस क्या कहते हैं, गोल्डमैन इक्वेशन के बेसिस पे बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैलेमिया अगर है,
या मैं ना वैसे सीबीएस में कर चुके हैं, हाइपोकेलीमिया अगर है तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज द डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम. ओके, तो वहां पे क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन. जैसे कि अभी मैंने दो बताया था, हाइपर पोलराइजेशन कब होता है, -80 पे अगर पहुंच जाए तो हाइपर पोलराइजेशन. ओके, ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहता है आपको पता है ना, जैसे कि हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में देखा था, क्या इज दी मसल वीकनेस. एंड सेकेंड, ईसीजी फाइंडिंग क्या मिलेगी, क्योंकि ये अभी इसलिए बता रहा हूं, वापस से रिवीजन करवा रहा हूं आपका, ईसीजी के अंदर क्या मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यू आर एस. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया की वजह से मसल वीकनेस हो रही है, तो वो हमारे को क्या होगा, जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा. एंड इन इसके जस्ट अपोजिट हाइपर अगर कैलीमिया है, हाइपर कैलेमिया है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्रेडियंट डिक्रीज होके हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज दी पोटेंशियल भी अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन. एंड डीपोलराइजेशन अगर है तो वहां पे क्या होगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस हाइपरकैलेमिया इज एरिथमियाज. ओके, एंड साथ में जो ईसीजी फाइंडिंग जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, टॉल टेंटेड टी वेव, टेंटेड टी वेव. ओके, हाइपर के लिए भी हमें क्या मिलेगा, हमारे को डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना. जैसे कि अभी आपको एक चीज और समझ में आएगी, जैसे कि हमने मोस्ट कॉमनली आप देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम कह देते हैं किसी भी पेशेंट को कि आपके तो हाइपो कैल्शियमिया डेवलप हुआ है, कि कैल्शियम की कमी की वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है ना. तो हाइपो कैल्शियमिया में क्या होता है, इंक्रीज द न्यूरोनल एंड मस्क्यूलर एक्साइटमेंट, एंड अल्टीमेटली क्या डेवलप होगा उससे, टिटेनी. क्या डेवलप होगा, टिटेनी. ओके, एक और है स्टर्लिंग फोर्स. क्या होता है उसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं. हाइपोकैलेमिया में क्या हुआ, टिटेनी क्यों डेवलप होता है इसकी, हाँ क्यों डेवलप होता है, इन रेस्पॉन्स टू डेवलप होता है, बट है ना हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो मसल्स की होगी उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, टिटेनी डेवलप होगा. एक है स्टर्लिंग फोर्स, स्टर्लिंग फोर्स क्या है ये देखो. कोई भी अगर कैपिलरी रहेगी, तो स्टर्लिंग फोर्स कहां से डेवलप हो रहा है वो देखना. कोई भी अगर कैपिलरी रहती है तो वहां पे जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ दिस कैपिलरी, ठीक है ना. तो हाईएस्ट किसका रहता है, हमारा रहता है, हाईएस्ट प्रेशर रहता है हमारा
हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, जो कि क्या होता है, पुश फोर्स होता है, कैसे, जो पुश आउट करता है, ठीक है। और जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल ऑस्मोटिक फोर्स, वो क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है, जो कि कम होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टीशियम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टीशियम, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कि प्लाज्मा क्या रहेगा हमारा, जस्ट अपोजिट में चलेगा, कि ये क्या करेगा, पुश फोर्स है, और ये क्या होगा, ये पुलिंग फोर्स है, ठीक है ना। आपको इतना सा याद रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, दो प्रेशर की बात कर रहे हैं। दो प्रेशर कौन कौन से हैं हमारे पास में, फर्स्ट वन इज दी हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड सेकेंड वन इज दी कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पी एंड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज थीटा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज दी पुशिंग फोर्स, इज दी पुशिंग फोर्स एंड कोलोइडल इज दी पुलिंग फोर्स, पुल फोर्स, ओके। तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये पुल करेगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी है कैपिलरी। और ये क्या है, इंटरस्टीशियम, इंटरस्टीशियम या इंटेस्टाइनल फ्लूड जहां पे रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल फ्लूड जहां पे रहता है, ठीक है। अब आपको पता है इंटरस्टीशियल फ्लूड के अंदर कोई भी प्रोटीन रहता है क्या, अगर नहीं रहता है तो वहां पे क्या होगा, कोलाइडल प्रेशर क्या रहेगा, कोलाइडल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे, ये प्रेशर हो जाएगा जीरो। तो अब आपको भी पता है कि प्रेशर कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, बट आउटसाइड केवल कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि पुशिंग फोर्स है। तो अब जो नेट प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, नेट प्रेशर होगा प्लस में कौन कौन से हैं वो देखिए, पी कैपिलरी वाला पुशिंग फोर्स, ठीक है, और जो नेगेटिव फोर्स है वो कौन कौन से हैं, सॉरी ये नेगेटिव लाइन है, नेगेटिव में कौन कौन से हैं, ये देखिए, कोलाइडल प्रेशर ऑफ दिस, कोलाइडल प्रेशर ऑफ दिस कैपिलरी एंड माइनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ दिस इंटेस्टाइनल फ्लूड, ठीक है ना। तो ये कौन से हो गए, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे को माइनस में क्यों रखे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना ये, इसीलिए, ठीक है ना। तो हमारे को नेट प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, प्लस पी सी माइनस थीटा सी माइनस पी आई, ओके। तो इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे कि रेट ऑफ टिश्यू फ्लूड फॉर्मेशन प्रोपोर्शनेट टू दी नेट प्रेशर, रेट ऑफ द टिश्यू फ्लूड फॉर्मेशन इज दी नेट प्रेशर। तो फॉर्मूला आपके पास में है, तो नेट प्रेशर को जस्ट अपोजिट में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट एक कांस्टेंट लगाना है, और कांस्टेंट क्या है, के एफ, ठीक है ना। के एफ क्या है अभी बताऊंगा, पूरा फॉर्मूला क्या है के एफ का, ठीक है। के एफ ब्रैकेट में क्या लिखना है, पी सी माइनस थीटा सी माइनस पी आई, ओके। तो ये हुआ रेट ऑफ टिश्यू फ्लूड फॉर्मेशंस, रेट ऑफ टिश्यू फ्लूड फॉर्मेशन। अब बात करेंगे के एफ की, तो के एफ क्या है, के एफ क्या है, के एफ इज द परमेबिलिटी इनटू द सरफेस एरिया,
permeability into surface area ये होता है kf. तो हर एक के लिए परमिबिलिटी एंड सरफेस एरिया फिक्स है, तो वहां पर kf क्या हो जाएगा, हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. और इसी kf को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कांस्टेंट. ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कांस्टेंट. ओके, जैसे कि अब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो बेसिक था. क्वेश्चन कहां से आता है देखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. ऑर्गन ऑर्गन विद मैक्सिमम मैक्सिमम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज, आंसर कौन सा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम परमिबिलिटी सॉरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी रहता है. तो आंसर इज कौन सा ऑर्गन है, आंसर इज किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नहीं ऑर्गन विद मैक्सिमम मैक्सिमम कोलोइडल कोलोइडल प्रेशर वाला तो नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे जस्ट अ सेकेंड, ऑर्गन विद द मैक्सिमम केएफ. केएफ किसका मैक्सिमम होता है, तो भी आंसर क्या जाएगा, सेम किडनी, ठीक है. सेकंड थर्ड क्वेश्चन का इनमें से क्या पूछा जाएगा, थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कि मोस्ट परमिसिबल मोस्ट परमिसिबल कैपिलरी कहां पे मिलेगी, मोस्ट परमिसिबल कैपिलरी कहां पे मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने केएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, परमिबिलिटी इनटू द सरफेस एरिया, ठीक है ना. बट परमिएबिलिटी मैक्सिमम परमिएबिलिटी किसकी मिलती है, कहां पे होती है, वो ऑर्गन है हमारा लीवर. एंड लीवर में भी कौन, साइनोसोइडल. ओके, तो तीन क्वेश्चन हमारे को स्टर्लिंग फोर्स से पूछे जाते हैं, और किस तरीके से पूछे जाते हैं अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये तो हुआ हमारा जनरल फिजियोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट. इसके अंदर एक चीज बच जाती है, वो है सर प्लीज रिपीट द लास्ट स्लाइड, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, ऑर्गन विद द मैक्सिमम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज किडनी, ऑर्गन विद द मैक्सिमम केएफ इज किडनी, बट मोस्ट परमिएबल कैपिलरी इन इन ऑर्गन कौन सा है, वो है लीवर, साइनोसोइडल, लीवर में भी साइनोसोइडल. ओके, देन अब है ना जनरल फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके अंदर बस जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए और ये एक्शन पोटेंशियल्स हो गया, ये अभी जनरल का पोर्शन.